हमने स्टार्ट किया है टारोस रिवार। इसमें हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम कुछ चीज का पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि टारो एक यंग वुडकटर है। टारो क्या है, एक यंग वुडकटर। वो बड़ा हार्ड वर्किंग है, थॉटफुल और लविंग सन है, ठीक है। एंड ही वांट्स टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने माता पिता की सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई ही वर्क्स वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है। तो सुबह से लेकर के शाम तक वो खूब मेहनत करता है, ठीक है। बट अर्न सम मनी, अर्न लिटिल मनी, लेकिन थोड़े पैसे कम कमाता है, ठीक है। तो यही वजह थी, ठीक है, कि वो थोड़ा सा सैड रहने लगा, ठीक है। तो एक दिन उसके माता पिता को बहुत ज्यादा ठंड महसूस हुई, तो उसने उसके पिताजी ने डिमांड की, विश की, कि काश उसके पास साथी होती जो उसके हार्ट को और उसके कोल्ड बॉडी को गर्म कर देती, ठीक है, जिससे उसके हार्ट को थोड़ी गर्माहट महसूस होती, मजबूती मिलती। तो स्टार ये बात सोच करके उदास हो जाता है, सैटर हो जाता है, और वो सोचता है कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। इसलिए वो पहले से ज्यादा देन यूजुअल वो क्या करने लगता है, जल्दी उठता है और जंगल में जाकर के लकड़ियां काटने लगता है, ठीक है। देखो आपको क्या हो, पैसेज नंबर 5। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। तब अचानक क्या हुआ, टारो ने जंगल में लकड़ियां काटना बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, ठीक है, तो उसका जो पूरा का पूरा शरीर था, ठीक है, वो पसीने से तर बतर हो गया, वेट हो गया विद स्वीट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ स्वीट और उस पसीने की वजह से उसको प्यास महसूस हुई, उसके शरीर की जो गर्मी थी, जो पानी था, वो निकल गया पसीने की तरह। अब उसको प्यास लगी, तो उसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ से लूँ, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, देखो आगे, देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। तब अचानक टारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। चॉप क्या होता है, लकड़ी फाड़ना, कट क्या होता है, काटना। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, तो उसने किस चीज की आवाज सुनी, टारो ने किस चीज की आवाज सुनी, कुड इट बी, ये क्या हो सकती थी, तो क्या यह बहते हुए पानी की आवाज हो सकती थी, तो क्या यह बहता हुआ पानी हो सकता था, भी संभवता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभवता है, क्या यह बहता हुआ रशिंग मतलब बहता हुआ पानी हो सकता था। टारो को नॉट रिमेंबर, टारो को कुछ भी याद नहीं था। एवर सीन और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, भी टारो को कुछ पता नहीं था, कुछ याद नहीं था, वो कुछ याद नहीं कर पाया, वो कुछ याद नहीं कर सका कि जंगल के इस हिस्से में उसने कभी भी किसी बहते हुए झरने या छोटी नदी के बारे में ना तो कभी सुना था और ना कभी देखा। He was thirsty, वह प्यासा था। The axe dropped out of his hands, और कुल्हाड़ी उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। And he ran in the direction of the sound, और वह उस आवाज की दिशा में दौड़ा, जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ने लगा। टारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, अब टारो ने एक सुंदर छोटे से झरने को देखा। वाटरफॉल क्या होता है, झरना, हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। भी टारो ने एक चट्टान के पीछे छुपे हुए सुंदर छोटे से झरने को देखा। नीलिंग एट अ प्लेस, नील क्या होता है, झुकना, नील क्या होता है, झुकना, ठीक है, जैसे नी हो गया ना, नी नी मतलब उठने, लेकिन यहाँ पर नील का मतलब क्या होता है, झुकना, ही यहाँ पर केस आई है, ठीक है। नीलिंग एट अ प्लेस,
एक जगह पर झुकते हुए, where the water flowed be quietly, जहां पर पानी शांति से बहता था, ठीक है? He cupped a little in his hands, उसने अपने हाथों से एक उंगली पानी लिया, ठीक है? हम ऐसे हाथों को ऐसे करके पानी लेते हैं ना, ठीक है? तो उसने हाथों को, अपने हाथों को जोड़ कर या उंगली बना करके पानी लिया, and put into to its lips, और अपने होठों से लगाया। Was it water? क्या यह पानी था? Or was it sake? और या फिर क्या ये साकी थी? He tasted it again and again. बार बार उसने उसको टेस्ट किया, and always it was the delicious sake instead of cold water. और यह हमेशा क्या होती? ठंडे पानी के बजाय एक स्वादिष्ट साकी लगती। ये क्या थी? भी जैसे ही वो बार बार पानी को अपने हाथों में लेता और उसको टेस्ट करता, ठीक है, तो उसे ठंडे पानी की बजाय क्या क्या महसूस होता? ये तो डिलीशियस साकी है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर एंड हिम एंड हिम, वो टारो ने जल्दी से जो उसके पास घड़ा था, जो उसके पास सुराही थी, उसको भर लिया, एंड हिड होम, और जल्दी से घर चला गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद साकी। ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी कौन? साकी, टारो के पिताजी। तो वो साकी को देख करके बहुत ज्यादा खुश हुए। डिलाइट का मतलब खुश होना। आफ्टर आफ्टर ओनली वन स्वेल ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। यहां से क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? यहां से क्वेश्चन आता है, होता है, ठीक है? तो क्या हुआ? आफ्टर ओनली वन, भी एक मिनट के बाद ही, ठीक है, आफ्टर ओनली वन स्वेल ऑफ द लिक्विड, भी लिक्विड की उस पेय पदार्थ को कि केवल एक घूंट पीने के बाद ही ही स्टॉप शिवरिंग, उसकी कंपकंपी बंद हो गई। शिवरिंग क्या होता है? कंपकंपी, कंपन, सर्दी के मारे हम कंपकंपाते हैं ना, ठीक है? तो वो कंपकंपी बंद हो गई, एंड लिट अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो फर्श के बीच में डांस करने लगे। करण मरीट दैट आफ्टरनून द नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और उस सुबह, उस दोपहर के बाद जो पड़ोसी था, एक पड़ोसी, ठीक है, स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, वो उनके घर पर आया था, ठीक है? टारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ दी साकी, मतलब उनकी एक पड़ोसी थी, ठीक है, टारो की एक पड़ोसी थी जो टारो के घर आई थी, ठीक है? तो टारो के पिताजी ने विनम्रता से, बड़े प्यार से उनको साकी का एक कप ऑफर किया, प्रदान किया, दे दिया, ठीक है? टारो के पिता ने क्या किया? एक कप भर करके उस पड़ोसी को दे दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, ग्रीडली मतलब लालची से, ग्रीडली क्या है? एट वर्क है। तो उस लेडी ने बिल्कुल लालचपन से, एकदम से, ग्रीडली मतलब एकदम से क्या करी? पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। एंड देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और अब फिर तब टारो ने उसको जादुई झरने की कहानी बताई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. और ड्रिंक के लिए, उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए उनका धन्यवाद करते हुए वह वहां से जल्दी से निकल गई, चली गई। By nightfall she had spread the story throughout the whole village. By nightfall, भी रात होते ही क्या किया उसने? रात होते ही उसने पूरी कहानी को पूरे के पूरे गांव में फैला दिया। मतलब जो डिलीशियस साकी की जो स्टोरी थी, जो कहानी थी वाटरफॉल की, उस कहानी का मतलब ये बात उसने सारे गांव वालों को बता दी जाकर के, ठीक है? That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और उस शाम क्या हुआ? Woodcutter's house मतलब टारो के घर। टारो के घर पर विजिटर, यात्रियों का क्या लग गया? तांता लग गया, ठीक है? यात्रियों क्या लग गया? तांता लग गया, मतलब बहुत सारे यात्री वहां पर, बहुत सारे जो गांव वाले थे
वो वहां पर आ गए कहां पर तारों के घर पर एंड ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल और प्रत्येक व्यक्ति को वाटरफॉल की कहानी सुननी थी एंड टू शेप ऑफ द साके और साके की एक मुट लेनी थी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति ने वाटरफॉल की कहानी सुनी और साके का एक मुट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी और एक घंटे से भी कम समय में जो भरा था वो खाली हो गया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अब हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। ठीक है, जो इसके वर्ड मीनिंग है देखते हैं। नेक्स्ट आता है रशिंग, रशिंग मतलब बहता हुआ, चलता हुआ। ठीक है, या दौड़ता हुआ स्ट्रीम, झरना या फिर छोटी नदी। नेक्स्ट आता है एक्स, एक्स क्या आता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स झरना, झरना। हिडन, छुपा हुआ। उसके बाद आ जाता है नीडिंग, नीडिंग छूटते हुए। डिलीशियस, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। टीचर, सुराही। या फिर बड़ा, खुश हुआ, स्वेलो, पीना या निकलना।
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। politely namata se offer pardon ki greedy एकदम से यानी लाभ से स्पेंड प्रोसेशन प्रोसेशन होता है झुंड झुंड या जुलूस या सांसा इसको है झुंड या जुलूस ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग रहेंगे आपके होमवर्क के रूप में राइट एंड ठीक है। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।